हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद रावत और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं श्रीनगर से घर की ओर जा रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोड ब्लॉक है। आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं, बहुत लंबा जाम लगा और रोड पूरी ब्लॉक हो रखी है। श्रीनगर में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या ही बोले दोस्तों। इसीलिए मैं घर जा रहा था और ना ही हमारे कॉलेज खुल रहे, पर अभी घर भी नहीं जा सकते क्योंकि रोड इतनी खतरनाक है। यहाँ पर लैंडस्लाइड आ रखा है कि रोड मुझे लगता है आज खुलेगी, लेकिन देखते हैं, दूसरा रोड पकड़ते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पहले आप ये देखिए कैसी रोड यहाँ पर टूट रखी है और कितनी खतरनाक यहाँ पर मलमा रखा है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कितना ही खतरनाक लैंडस्लाइड आ रखा और मुझे लगता है शाम तक यहां पर खुलने वाला है। और हमारे साथ आ रखे थे हमारे भाई लोग साहब, तो अभी ये बोल रहे हैं दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से तो मुश्किल है आज खुलना। का बन जा रहा है आज खा करा खागरा बोल लो मुझे कौन करिए। भाई साहब यहाँ पर बोल रहे हैं कि खागरा चलेंगे, तो चलो चलते हैं। चलो था दोस्तों, अभी हम दूसरे रूट पे आ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन खूबसूरती आप देख सकते हैं क्या ही गजब की है। और ये सुंदर सुंदर हरे हरे पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। और हमें अभी पता नहीं कहाँ जाना है और कितनी दूर जाना है। इस रास्ते से हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, बस रोड पर चले जा रहे हैं और लगभग 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं मेन हाईवे से। और अभी मेरे जो साथ के भाई थे वो अभी आए नहीं है, तो उनका मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने सोचा आपको थोड़ा यहाँ का सुंदर जो व्यू यहाँ पर हरे हरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उनका व्यू आपको दिखा दूँ। तो गाइस, बड़े देर बाद जाम खुलने के बाद आप पहुँच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग पे और सामने आप देख सकते हैं हमारे भाई लोग वहाँ पर बैठे हैं। और मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि मैंने आपको परसों बोला था कि परसों की वीडियो में मैंने आपको मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नहीं दिखाया। तो आप सामने देख सकते हैं, ये है यहाँ का नाम है और सामने आपको जो मार्केट दिखाई दे रहा है ये रुद्रप्रयाग है। और आप मेरी साइड जो मटमैली कलर की ज़्यादा, जिसमें मिट्टी कलर ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, वो मंदाकिनी नदी है जो कि केदारनाथ साइड से आती है। और सामने आपको दूसरी नदी नज़र आ रही होगी, वो अलकनंदा नदी है जो कि आती है हमारे कर्णप्रयाग साइड से। और ये सामने आगे जाके, मैंने परसों भी आपको बताया था कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, उसके बाद वो गंगा का रूप ले लेती है। और शानदार ये देख सकते हैं आप रुद्रप्रयाग मार्केट यहाँ पे। और यहाँ पर भाई लोग बोल रहे हैं कि चलो देर हो चुकी है, सुबह 10 बजे हम श्रीनगर से निकले थे लेकिन जाम की वजह से और दूसरा रूट पकड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो अभी चलते हैं कहीं बारिश ना हो जाए, मेरे पास भीगने वाली चीज़ें भी बहुत है तो कहीं सामान ख़राब ना हो जाए, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, बाइक चलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है, तो अभी रुके हम किसी एक होटल पे। एक छोटा छोटा होटल था यहाँ पर रोड के नज़दीक। और यहाँ पीछे देख सकते हैं आप भाई साहब, और ये तो जदेसर मंदिर पता नहीं किधर है। और यहाँ पर है हमारी चाय, गिरे ना लम्बियो ना तो थैले ले भाई साहब, तुम भी प्या अच्छा छोटे था। तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर बारिश नहीं आई तो चलते हैं, नहीं तो यहीं पे रुकेंगे आज। दोस्तों, जो मेन हाईवे था जिस पे अभी तक हम आ रहे थे NH 107 केदारनाथ वाला, तो उसको छोड़ के मैं अभी बेडूबगढ़ से ऊपर अपने गांव वाली रोड पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने धन्नों को खड़ा कर रखा और जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ वो बेडूबगढ़ से ठीक ऊपर यहाँ पर है। देख सकते हैं आप बेडूबगढ़ ठीक नीचे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेडूबगढ़ कहाँ पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैं श्रीनगर जा रहा था और आज से श्रीनगर से घर आ रहा हूँ। थकान से बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो चुके हैं क्योंकि हमने जो श्रीनगर से दूसरा वाला रोड पकड़ा था वो भी पूरा ऑफ रोड था और हमारा तो ये ऑफ रोड ही है। और आजकल भूस्खलन इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पूरी रोड की बुरी हालत हो रखी है, अब क्या ही बोलें। और यहाँ पर मैं इसलिए रुक रखा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर बचपन की बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी है, क्योंकि हमारे गाँव में जब रोड नहीं हुआ करती थी तब हम बेडूबगढ़ से अपने गाँव की ओर बेडूबगढ़ से पैदल चलते थे और ये वो रास्ता था। यहाँ आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो रास्ता था जहाँ से हम पैदल चलते थे और यहाँ ऊपर को जाते थे। ऐसे में सही नहीं दिख रहा तो ऐसे में दिखाता हूँ आपको। और यहाँ देखो आप, नीचे यहाँ पर बेडूबगढ़ था और ये यहाँ से ऊपर रास्ता आ रहा है ये,
और यहाँ से पूरा ऊपर, फिर यहाँ से रोड नहीं थी तो यहाँ से ऊपर फिर ये रास्ता था। अभी भी कभी गाड़ी नहीं मिलती तो यही रास्ता है वो जहाँ से हम पैदल आते थे। और वहाँ पर भी अब सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी अब रास्ता बन चुका है, अच्छा खासा रास्ता अब बना लिया है। पहले तो ऐसा रास्ता नहीं था, बस ऐसे चीड़ के बीच बीच से हम रास्ता बना के खुद चले जाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत यहाँ पर चीड़ का जंगल है। दोस्तों एक बार फिर आ चुके हैं हम चरपानी पे पानी पीने। वैसे हमारा एक स्टेशन जैसा बन चुका है, हमेशा यहाँ पर आते हैं, हम रुकते हैं और पानी पीते हैं। अब यहाँ की तारीफ मैं ज़्यादा क्या करूँ, बस इतना बोल सकता हूँ जो मार्केट से हम बिसलेरी पीते हैं ना 20 रुपए की, तो उससे लाख गुना बढ़िया पानी है जो कि हमको प्रकृति उपहार के रूप में फ्री सेवा दे रही है। तो इस फ्री सेवा का आनंद उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। और आप बालों की हालत देख सकते हैं मेरी क्या ही हो चुकी है, हेलमेट के अंदर बाल ऐसे ही होते हैं। पर जो मैं अभी पानी की बात कर रहा था ना यहाँ की, तो क्या ही बोलें, पानी पीने के बाद ऐसी आराम मिल जाता है, ऐसी ठंडक मिल जाती है ना शरीर को, जो पूरी थकान लगी थी श्रीनगर से यहाँ आते आते वो लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। पूरी तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन जो है कि थकान थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा आराम मिल जाता है यहाँ पर पानी पीने के बाद। तो अभी धन्नो इंतज़ार कर रही है, चलो घर की ओर चलते हैं। तो चलो चलते हैं और एक अच्छी सी लोकेशन पर फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। गांव तो अभी नहीं पहुंचा हूं, अभी गांव की ये चढ़ाई चढ़ रहा हूं आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर मम्मी भाई और गांव के बड़े भाई यहां पर आ रखे हैं सामान के लिए, और ये सामान लेके आ रहे हैं राशन जो कि सरकार हमें देती है। और अनु भाई साहब बता रहे हैं कि 2 महीने की यहाँ पर फ्री है और 1 महीने की पेड है। और चाची भी यहाँ पर पहुँच चुकी है सामान लेने। अनु भाई साहब के पास बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा था। और मम्मी आई थी खेत में, आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर घास की एक छोटी सी भारी मम्मी ने लगा रखी है। तो मम्मी उस घास को नीचे से यहाँ से लेके आई है, जहाँ पर ये रोड है ना, तो रोड के नज़दीक कुछ खेत आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारे कुछ खेत हैं। तो बहुत ही दिक्कत होती है इतने दूर खेती करने के बाद भी, जो सुअर हैं वो बर्बाद कर देते हैं खेती को। और अभी का आप शाम को मौसम देख सकते हैं, एकदम झकास वाला मौसम हो रखा है। आसमान में तो बादल हैं लेकिन अभी बारिश तो आई नहीं है, पर मौसम बढ़िया बन रखा है। तो बातें बहुत हो गई, अभी चलते हैं घर की ओर क्योंकि अंधेरा होने को है। चलो भाई तब कुछ नहीं मैम, मुझे राम राम ले 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 ले। हाँ बा बड़े चाची तुम्हारी तबियत पानी ओ फटाफट ठीक होएगी ओ बोडो आओ अब बंद बोट रुक जा पापा प्रणाम ठीक ठाक हेलो गाइस अरे रो हो यार बार कब पहुंच गए हेलो भाई जी तुम भीतर रहे क्यों हैं हैं भीतर क्या करना तो ला लो अरे कुछ वो नहीं हेलो कर पहले हेलो 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 हेलो। तो गाइस जैसे ही घर पहुंचा तो अब पापा हमारे लिए लेके आए हैं चाय, तो चाय के साथ हमारा स्वागत किया गया है। और यहाँ पर पापा कुत्ते को बिस्कुट दे रहे हैं, मैंने तो दिया नहीं, वैसे दे दिया था मैंने एक दो, वीडियो नहीं बनाया बस। और मैं आज की वीडियो से यही आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड में ट्रैवल करना चाहते हैं अभी तो मत करिए, क्योंकि आज आपने देखा होगा जहाँ सुबह हम कितनी दूर आ गए थे श्रीनगर से, लेकिन वहाँ से फिर वापस जाना पड़ा, दूसरा रोड पकड़ना पड़ा, वो भी पूरा ऑफ रोड था। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन हो रहे हैं, पूरे पहाड़ के पहाड़ टूट रहे हैं। तो अभी उत्तराखंड मत आओ, 1-2 महीने बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तो नहीं सितंबर से आप आ सकते हैं, तो उसके बाद एकदम मस्त वाला मौसम बन जाता है घूमने के लिए। तो बस यही कहना चाहूँगा और घर पे पहुँच चुका हूँ अब, तो मैं सीधे सोने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत, बाय बाय टाटा मिश यू एंड लव यू दोस्तों। ले आज दिन बिस्कुट ले।